Do subscribe and press the bell icon. So when we will upload video, you will get notified. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर. फ्रेंड्स, आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे पार्ट वन, और जो कि हिंदी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, जिससे आपको कितने एग्ज़ाम्स में बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्ज़ाम, जैसा कि लोअर पीसीएस हो गया, आने वाला लेखपाल है, और यूपी पीआरबीपी यानी कि यूपी पुलिस. ठीक है, यूपी पुलिस में जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 5423 यानी 5423 वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है, और 2020 में निश्चित आनी है. यूपी पीसीएल का एआरओ का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी डेट हो गई है 6 मई. ठीक है, 6 मई हो गई. क्यों हो गई है? क्योंकि फॉर्म अभी इतने नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना कोविड-19 के कारण इसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है, जिसके चलते आपको एक बार मौका फिर मिल जाएगा, क्योंकि 6 अप्रैल ही लास्ट डेट थी इसकी और 6 मई कर दी गई है. लोअर पीसीएस में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. यूपी पुलिस का जैसा कि जेल वार्डन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने जेल वार्डन का डाला हुआ है, तो वो भी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जैसा कि बेसिकली अभी आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है. ठीक है, यूपी पीसीएस से, यूपी पीएससी से 2016 का, उसमें हिंदी का काफ़ी अच्छा वेटेज है, 60 क्वेश्चन आएंगे, और यूपी पीसीएल एआरओ में भी 70 प्रश्न आने हैं और 70 प्रश्न इंग्लिश के आने हैं, तो हिंदी का काफ़ी अच्छा वेटेज है. तो जैसा कि आपको जो हिंदी दिखती है वो इतनी आसान नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन गलत होते हैं, और उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करते रहना है. भले ही आपको 100% जैसा कि आरओ में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 में 60 आपका कॉन्फिडेंस हो कि 60 में 60 सही कर देंगे, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप खुद को आकलन, खुद का आकलन कर पाएंगे, सेल्फ इवेल्युएट कर पाएंगे अपना. तो चलते हैं बिना समय गवाए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें. स्टडी विद एक्सपीरियंस सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी. प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 वर्ष के प्रश्न हैं उनका डिटेल से नोट्स मिलेगा आपको. ठीक है, आरओ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट में जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके बारे में मैं बता दूँ, क्योंकि आरओ का होना है और यूपी पीसीएस मेंस है और आपका एआरओ, और जो नोटिफिकेशन आने थे उनकी अभी संभावना नगण्य मान के चलिए, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है भारत सरकार की क्या पूरे विश्व की, तो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक तो कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम लगे हैं आगामी, उनकी पहले प्रिपरेशन कर लें, इसलिए हिंदी का अच्छा वेटेज है. तो चलते हैं अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन है पर्यायवाची, तो पूरी कंप्लीट पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आज्ञा. आज्ञा का पर्यायवाची क्या होता है? आज्ञा का पर्यायवाची होता है अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमत, इजाजत. जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रिपीट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप प्लेबैक करके भी देख सकते हैं. ठीक है, बैकवर्ड करके. और यहाँ पे आयुष्मान, अब देखिए आयुष्यमान होता है. ठीक है, आयुष्यमान कैसा है? शुद्ध वर्तनी में भी आपको यहाँ पे हेल्प देगा ये. चिरंजीव महत्वपूर्ण है, दीर्घायु, शतायु आपके लिए महत्वपूर्ण है, चिरायु दीर्घजीवी. आश्रय की बात करें, अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय. प्रश्रय महत्वपूर्ण है आपके लिए, अवलंब महत्वपूर्ण है आश्रय के लिए. ठीक है, आशीर्वाद की बात करें, यह शुद्ध वर्तनी में आता है, आप कैसे लिखा जाए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. आशीष, आशीर्वाचन, आशीर्वचन कहते हैं इसे. ठीक है, मंगल कामना. आवेग की बात करें, स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता, त्वरा. त्वरा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. आलसी की बात करें, सुस्त, काहिल, ठलुआ महत्वपूर्ण है. ये देशज एक तरह से शब्द कह सकते हैं, ग्रामीण एरिया में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है. निकम्मा, निरुज्झिमी. ठीक है, यह हो गया. आदरण की बात करें, सामान्य, सामान्य. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है. पूज्य, और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात करें, जैसे कि पूजनीय होता है ना कि पूज्यनीय होता है. ठीक है, तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है और पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है. ये शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, इन्हें भी आपको गौर से देखना है. मान्यवर, माननीय. आचार्य की बात करें, चरित्र, स्वभाव, धूलि, चालढ़ल, चाल चलन. अगला देख लेते हैं. आख्यान का पर्यायवाची होगा कहानी, कथा, वृत्तांत महत्वपूर्ण है,
इतिवृत्ति, किस्सा, इतिवृत्ति और वृत्तांत आपके लिए महत्वपूर्ण है। आकाशगंगा की बात करें, स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा। आक्षेप की बात करें, आरोप, दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम। अभियोग महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अभियोग में कौन सी संधि भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कभी कभी इसमें समास पूछ लेते हैं अभियोग में। आकृति की बात करें, चेहरा मोरा, नयन नक्श, डील डौल, आकार, गठन। गठन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आकलन की बात करें, कूतना, आंकना, आगणन, आगणन ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आंशु, अश्रु, नेत्र, नीर, नयन, जल, नयन जल, नेत्र, वारी, नयन नीर। यहाँ तो आपको सभी चीज़ें पता चल रही होंगी, और कभी कभी इसमें तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन बना देता है। आशु क्या है? तत्सम है। नेत्र नीर तत्सम है, नयन तत्सम है, नेत्र तत्सम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। एक चीज़ को पढ़ें तो कितने डायमेंशन से आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। आदर्श की बात करें, मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान। प्रतिमान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा समास है? अव्यय भाव। जहाँ पर प्रति लग जाए और कोई अव्यय आ जाए तो वहाँ पे अव्यय भाव समास होता है। आतंक की बात करें, भीषिका, उपद्रव, अतिभय, संत्रास महत्वपूर्ण है, दहशत। ये संत्रास आपके लिए महत्वपूर्ण है, भीषिका महत्वपूर्ण है। आण की बात करें, शरण, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट। आगे देख लेते हैं आदि। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अवश्य आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित करूँगा। आदि की बात करें, प्रथम, एक मिनट, आदि की बात करें, प्रथम, पहला, आदिम महत्वपूर्ण है आपके लिए, शुरू का, आरंभिक। आधार की बात करें, मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद। जड़ का पूछा जाता है विलोम शब्द, चेतन, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। जो चीज़ें मैं आपको अवश्य बताऊंगा, आधुनिक, नूतन, नया, वर्तमान, कालीन, अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका विलोम शब्द। आपत्ति का क्या होता है? आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। कैसे लिखा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। आवाज़, शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी। आवश्यक की बात करें, जरूरी, अपरिहार्य, कभी कभी आप देखते होंगे अपरिहार्य कारणों से या परीक्षा निरस्त की जाती या स्थगित की जाती है, ठीक है, तो यही अपरिहार्य यानी आवश्यक कारणों की वजह से। बाध्यकार, जैसे कि अपरिहार्य कारण है अभी, जैसे कि COVID-19 की वजह से आपका आरओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, संभवतः जून जुलाई तक जा सकता है। बाध्यकार, अनिवार्य। आडंबर की बात करें, प्रपंच होता है, ढकोसला होता है, श्वांग, दिखावा, ढोंग होता है। आश्रम, मठ, विहार, कुटी, कुटी नहीं होता, कुटी होता है, संघ, संघ महत्वपूर्ण है आपके लिए, आश्रम। और यहाँ पे विहार, ठीक है, ना कि बिहार, बिहार एक राज्य है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और विहार का मतलब क्या होता है? विहार और विहार जैसे दो शब्द आते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, समानार्थी शब्द की तरह होते हैं। आंचल की बात करें, पहला, सॉरी, आंचल है पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों यदि आपने ज्वाइन कर रखा हो वहाँ पे साझा करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी का कंप्लीट और GS आपको डेफिनेटली, यदि आप चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है RO के लिए आपके पास। और वैकेंसी आप देखेंगे खुद, मैं यदि झूठ बोलूं तो आने वाले 8 महीने तक आपको वैकेंसी नहीं दिखने वाली है। बहुत भाग्यशाली होंगे यदि वैकेंसी आ जाती है, तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम लगे हैं उन्हीं पे ही आप अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो आपका जो भविष्य है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे अब जब लॉकडाउन हटेगा, चीज़ें सामान्य होंगी, तो पहली चीज़ तो प्राइवेट सेक्टर में भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कितने लोग बेरोजगार होंगे, ठीक है। आशय की बात करें, भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, तात्पर्य महत्वपूर्ण है, आशय। आहार की बात करें, भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज सामग्री। इच्छा महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जाता है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा। वांछा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, वांछा यहाँ पे इयां वाला बनेगा, ठीक है, ये होता है वांछा। रुचि, तृष्णा महत्वपूर्ण है, तृष्णा मनोरथ। चाह, मर्जी, स्पृहा, स्पृहा महत्वपूर्ण है आपके लिए, लिप्सा ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इंद्र की बात करें, इंद्र से काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न, सुरपति, सचिपति, मधवा, शक, पुरंदर, पुरंदर काफ़ी बार पूछा गया, मधवा पूछा गया है, सचिपति पूछा गया है, कौशिक पूछा गया है, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र का संधि विच्छेद आता है, जैसे कि गुड़ संधि है, सुरेश हो गया, सुरेंद्र हो गया, अमरपति हो गया, जिष्णु हो गया, पुरोहित हो गया, पुरोहित महत्वपूर्ण है, नया शब्द है, विभु, धेश हो गया, वज्रधर हो गया, अस्त्रच्छ, ठीक है,
और इंद्राणी की बात करें, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मध्यावानी, सतावरी, पौलोमी। पौलोमी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक बार रजिस्ट कर देता हूँ। इंद्रधनुष की बात करें, पूछा जाता है शक्र चाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप। इंद्रपुरी की बात करें, देवलोक, अमरावती कहाँ की राजधानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये इंद्रपुरी से ही लिया गया है, ठीक है, इसका पर्यायवाची है इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। तो फ्रेंड्स, आज हमने लगभग 35 पर्यायवाचियों का अध्ययन किया है, पार्ट वन है, और निरंतर आपको वीडियो मिलेंगे। लॉकडाउन के चलते आपको यहाँ पे हिंदी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। बेसिकली अभी मैं उन टॉपिक को ले रहा हूँ जो आरओ में आएंगे, ठीक है, पहले उन्हें कवर करूँगा और उसके बाद धीरे धीरे जब आपके पास शब्द संग्रह हो जाएगा तो आप, यदि आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आपके पास स्पीड होगी। यदि आपके पास स्पीड है, शब्दों का संग्रह नहीं है, तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष हो गया, वाक्य शुद्धि, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इससे आगे देखने को नहीं मिलेगा, और जीएस भी आपको यहीं से मिल जाएगा पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में। यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को तो उसे आप अवश्य ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और पीओसीआर के मैंने जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ सॉल्व करके, उन्हें आप अवश्य सॉल्व करें, और जो उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो इसलिए आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद।